कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरफ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर यूवी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर आपका जो है एनटीए नीट जीआरएफ पेपर वन का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पर एक सेशन चल रहा है जो कि आपका मार्च 2023 से लेके जून 2023 तक चलेगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपका क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर है या राइट ऑप्शन है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका वीडियो बनेगा वो आपका रिवीजन पर्पज़ से वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा यहाँ पर चल रहा है सेशन डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें आपको जो है पर डे 100 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और अभी हम लोग मार्च 2023 का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हम लोग अभी रिसर्च तो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और यह क्वेश्चन हमारा जो है केवीएस मदान की किताब 2021 के एडिशन की किताब 2021 एडिशन की जो है किताब से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है द मेन डिफरेंसेस। तो इससे पहले जो है हम लोग ने इससे पहले हमने 100 तक क्वेश्चन कर लिया। तो जिन बच्चों को जो देखना है आपको क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, शुरू से। ठीक है, तो आपका देखिए यह बना हुआ प्लेलिस्ट, तो ये आपका प्लेलिस्ट है। देखिए ये आपका प्लेलिस्ट है जिसमें आपको जो है लगभग 70 वीडियो, ठीक है, 70 वीडियो, और हर एक वीडियो में आपका जो है 50 से 100 क्वेश्चन है। और आपका अप्रॉक्स जो कि यहाँ पर 5,000 क्वेश्चन, तो 5,000 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिया गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से शुरू से भी आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपका पहला क्वेश्चन करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का। द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज इन टर्म्स ऑफ, इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा कलेक्शन। द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है डिफाइनिंग हाइपोथिसिस। तो डिफाइनिंग हाइपोथिसिस इज ए यूजफुल वे ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च बिकॉज द राइट आंसर ऑप्शन बी इट अलाउज द डेवलपमेंट, तो इट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टेबल प्रोपोजिशन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो आपका 3, 103 नंबर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर। द मेथड ऑफ रिसर्च यूज इन दिस प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी सर्वे मेथड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर। द मेथड ऑफ रिसर्च यूज इन दिस प्रोसेस इज ऑप्शन नंबर सी सर्वे मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है ये 9 ईयर ओल्ड। तो ये 9 ईयर ओल्ड इज इट टॉलर देन 7 ईयर ओल्ड वंस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर बी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ठीक है, यहाँ पर जो कि एग्जाम्पल है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का 105 नंबर है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च इज ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी। ठीक है, 106 नंबर है विच टाइप ऑफ मेथड कैन बी यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट ए रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी ऑप्शन बी फील्ड एक्सपेरिमेंट। विच टाइप ऑफ मेथड कैन बी यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट ए रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी ऑप्शन में भी फील्ड एक्सपेरिमेंट। 110 नंबर क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्वे रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन सर्टेन ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। तो आपका जो राइट ऑर्डर है ऑप्शन में भी 1, 4, 3, 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सैम्पलिंग, सेकेंड आपका डाटा कलेक्शन, थर्ड आपका डाटा एनालिसिस और फोर्थ आपका इन्फेरेंस। ठीक है, ये आपका राइट जो है रिप्रेजेंट ऑर्डर है। ठीक है, 111 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए हाइपोथिसिस ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्राडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर। तो इट इज दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपोथिसिस। बाकी जो आपका रिक्वायरमेंट है हाइपोथिसिस बनाने के लिए वो आपका बेसिक्स ऑन फैक्ट बींग कंसीवेबल एंड अलाउ कंसिक्वेंसेज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इट। ये आपका तीनों जो है रिक्वायरमेंट है हाइपोथिसिस करने के लिए। फ्रॉम ए प्रोपोजिशन, तो फ्रॉम फॉर ए प्रोपोजिशन टू बी ट्रू इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन मस्ट बी इट मस्ट बी इन टून, इट मस्ट बी इन ट्यून विथ एक्सेप्टेड बिलीफ्स। ये आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी आपका इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड इट मस्ट बी टेस्टेबल। ये आपका जो है प्रपोजिशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक सही है। ठीक है, 113 नंबर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिसर्च कैन बी रिटन, तो ऑप्शन में भी ऑनली स्टेटमेंट फॉर्म। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिसर्च कैन बी रिटन ऑनली इन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट फॉर्म।
साइन प्योर नॉन, तो साइन प्योर नॉन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए गुड रिसर्च, तो साइन प्योर नॉन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए गुड रिसर्च ऑप्शन में ए वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, तो ए वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस 115 नंबर है। ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी, तो ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, आपका सभी सही है। तो ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी प्रिसाइज स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विथ मोस्ट नोन फैक्ट फॉर्मुलेटेड, तो फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाई डाटा ऑफ लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस। 116 नंबर है। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टडीड, तो हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टडीड ऑप्शन नंबर सी जनरल टर्म, तो जनरल टर्म तो हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टडीड, ठीक है। नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म ये आपका सही है, डिक्लेरेटिव टर्म ये भी आपका सही है। 117 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन में भी इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी अवॉइडेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। 118 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर है ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड। नेक्स्ट आप 119 नंबर, ए सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिकल, ए सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिकल क्वान्टिटेटिव मेथड शुड नॉट पोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज, ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट प्रोसेस, ठीक है, बाय द क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। बाकी आपका अप्रोप्रिएटनेस मेजरेबिलिटी एंड कंपेरेटिविटी, ठीक है, ये आपका सही है। 120 है। द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च, द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव एंड बायस्ड एटीट्यूड ऑफ द रिसर्चर द सैंपल साइज एंड द रिसर्च मेथड अडॉप्टेड, ठीक है। 121 है। हु इज रिगार्डेड एज द, तो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे, ऑप्शन नंबर सी बूथ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे। 122 है। ए रिसर्च प्लान इज, तो आपका रिसर्च प्लान क्या है, तो ऑल ऑफ देव आर रिसर्च प्लान, ठीक है। शुड बी टू रिसर्च प्लान शुड बी डिटेल शुड बी गिवन टू अदर्स फॉर रिव्यू एंड कमिटमेंट कमेंट एंड रिसर्च प्लान सेट आउट द रेशनले फॉर रिसर्च स्टडी। नेक्स्ट आपका है 123। सोर्सेज ऑफ रिसर्चेबल, तो सोर्सेज ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स कैन इंक्लूड, ऑप्शन बी ऑल ऑफ देव रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस एज एजुकेटर्स प्रैक्टिकल इशूज डैट रिक्वायर सोल्यूशन एंड थ्योरी एंड पास्ट रिसर्च, ये आपका तीनों सही है। 124 द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द, द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ प्रायर रिलेवेंट स्टडीज कंटेंस स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द स्टडी एंड कंक्लूड्स विद स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। 125 ए स्टेटमेंट डैट प्रिडिक्स, तो ए स्टेटमेंट डैट प्रिडिक्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज नोन एज, ऑप्शन नंबर बी एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, ठीक है। 126 है। टू बी कॉन्फिडेंट डैट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट इट इज नेसेसरी टू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, परफॉर्म ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो टू बी कॉन्फिडेंट डैट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, आपको मिलाना है मैच लिस्ट वन, तो लिस्ट वन में आपका इंटरव्यू है और लिस्ट दो में आपका मीनिंग है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू ये आपका जो है प्री, यहाँ पर आपका प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होता है, तो आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू में प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होता है एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आपका ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच होता है, यहाँ पर फोकस्ड इंटरव्यू में अटेंशन ऑन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एंड क्लिनिकल इंटरव्यू में इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस ये आपका होता है, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होता है, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आपका जो है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच होता है, फोकस इंटरव्यू में आपका अटेंशन ऑन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एंड क्लिनिकल इंटरव्यू में इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च ऑप्शन नंबर सी फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च ऑप्शन नंबर सी फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ थीसिस, रिसर्चर मस्ट पोसेस एनालिटिकल एबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी इज द रिसोर्स प्रॉब्लम, तो वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। 130 है। रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ऑनली वेन, तो रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ऑनली वेन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तो इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस एंड इट इज रिसर्चेबल एंड इट इज न्यू एंड एड्स समथिंग टू द नॉलेज, ये आपका तीनों सही है, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ऑनली वेन इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस इट इज रिसर्चेबल
एंड इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू द नॉलेज। नेक्स्ट आपका है 131, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट रिसर्चर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट रिसर्चर इंटरेस्टेड इन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू दिस प्रॉब्लम हैज टू आस्क इट वेदर द डाटा कुड बी क्वान्टिफाइड और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा कलेक्शन मेथड, तो आपका कौन सा इसमें डाटा कलेक्शन मेथड है, ऑप्शन बी द इंटरव्यू इज ए डाटा कलेक्शन मेथड। 133 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन सेवरल पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग फैसिलिटेटर इंफेसाइज ऑन क्वेश्चनिंग ए स्पेसिफिक एंड डिफाइंड टॉपिक इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप एंड द ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, ऑप्शन बी फोकस ग्रुप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन सेवरल पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग फैसिलिटेटर इंफेसाइज ऑन क्वेश्चनिंग ए स्पेसिफिक एंड डिफाइंड टॉपिक एंड इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप एंड द ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, द फोकस ग्रुप। 134 है, द प्रोसेस नॉट नीड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो ऑप्शन नंबर डी रेफरेंस कलेक्शन इज नॉट नीड इन एक्सपेरिमेंटल कलेक्शन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बाकी आपका जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आता है वो आपका ऑब्जर्वेशन है, मैनिपुलेशन एप्लीकेशन है, आपका कंट्रोलिंग है। 135 है, विच टाइप ऑफ स्टडी विल बी प्रेफर्ड बाय द रिसर्चर टू इंटीमेट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी कोरिलेशनल। ठीक है, 136 है, विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, तो विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन ए नॉमिनल स्केल। 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टीवेंस फोर लेवल ऑफ मेजरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टीवेंस फोर लेवल ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन बी नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो। 138 है, वी यूज फैक्टर एनालिसिस, तो वी यूज फैक्टर एनालिसिस टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल, तो वी यूज फैक्टर एनालिसिस टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल। 139 है, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी कंटेंट एनालिसिस, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी कंटेंट एनालिसिस। 140 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन वैल्यूज इज स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन नंबर डी -1.00 कोरिलेशन वैल्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। 141 है, द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स एंड ग्रेड्स इज, ऑप्शन नंबर पॉजिटिव, द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स एंड ग्रेड्स इज पॉजिटिव। 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिफ्लेक्ट द हाइस्ट वैल्यूज ऑफ कार पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर डी -0.92। नेक्स्ट है ये वाइडली यूज्ड फॉर्मेट डेवलप्ड बाय रेंसिस लिकर्ट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट, ऑप्शन नंबर एटीट्यूड। ठीक है, तो ये वाइडली यूज्ड फॉर्मेट डेवलप्ड बाय रेंसिस लिकर्ट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एटीट्यूड। 144 है, ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इंप्लाइज, तो ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इंप्लाइज, ऑप्शन नंबर बी फाइंडिंग कंसिस्टेंट विथ रियलिटी। 145 है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 145 नंबर, द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर से कैरेक्टरिस्टिक डेट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बट इट अज्यूम टू एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर बी कंस्ट्रक्टिबिलिटी। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर ए कैरेक्टरिस्टिक डेट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बट इट अज्यूम टू एग्जिस्ट कंस्ट्रक्टिबिलिटी। ठीक है, 146 फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर रियल लाइफ सिचुएशन, तो फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, 147 द वेरिफिकेशन दैट द मेथड ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर इज, द वेरिफिकेशन दैट द मेथड ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर, ऑप्शन नंबर ए कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, 148 है, द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ ए रिसर्च स्टडी अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द स्टडी इटसेल्फ एंड द एक्सटेंट टू विच कंक्लूजन कैन बी जनरलाइज्ड, ऑप्शन नंबर एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, 149 द एक्सटेंट टू विच द डिजाइन एंड डाटा ऑफ रिसर्च स्टडी अलाउज द रिसर्चर टू ड्रॉ एक्यूरेट कंक्लूजन अबाउट कॉज एंड इफेक्ट एंड अदर रिलेशनशिप्स विद इन द डाटा, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च विल बी एट स्टेक, इज करेक्ट ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, आपका सभी सही है। ठीक है, तो द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च विल बी एट
स्टेकबल द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम इट्स अकरेंस द ऑथर हु इज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज बायस्ड एंड इनकम्पिटेंट द रिसर्चर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 151। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेन योर रिसर्च मेजर द वेरिएबल और डायमेंशन इट इज सपोज टू मेजर इन, ऑप्शन में वैलिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 152 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, ऑप्शन में भी रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस, रिसर्च आपका कोई प्रोसेस नहीं है, रिसर्च इज सिस्टमेटिक, रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड रिसर्च इज नॉट पैसिव। ठीक है, 153 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू जनरलाइजेशन ऑफ आउटकम ऑफ रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर एक्सटर्नल एक्सटर्नल वैलिडिटी और इन्फेरेंस। ठीक है, 154 है, ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, तो ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट गिविंग इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर सी लो रिलायबिलिटी। ठीक है, तो लो रिलायबिलिटी, ठीक है, तो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट गिविंग इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट है, लो रिलायबिलिटी। ठीक है, 155 है, ऑथेंटिसिटी, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, ऑप्शन में डी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, ऑप्शन ओरिजिनलिटी, तो ओरिजिनलिटी वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आपका तीनों से जाएगा। 156 है, हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च कैन बी इनहांस, ऑप्शन डी आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव, तो थ्रू इम्पार्शियलिटी, थ्रू रिलायबिलिटी एंड थ्रू वैलिडिटी। 157 है, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ, तो मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 158 है, एन एजुकेटेड गेस अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज कॉल्ड, ऑप्शन में भी ए हाइपोथेसिस, तो एन एजुकेटेड गेस अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज कॉल्ड एंड ए हाइपोथेसिस। 159 है, It is best to use the method of working multiple hypotheses. Option B, while planning your research study. To test null hypothesis, a researcher was a researcher used option number C, x square chi square. So to test नल हाइपोथेसिस रिसर्चर यूज एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर टे। ठीक है, 161 है, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टडीड, तो हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टडीड इन, ऑप्शन सी जनरल टर्म। ठीक है, 162 है, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लिस्ट लाइकली टू रिक्रूट रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लिस्ट लाइकली टू इंक्लूड रिसर्च हाइपोथेसिस, तो आपका ऑप्शन नंबर सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। ठीक है, लिस्ट है आपका, ठीक है, लिस्ट 163 है, द बेसिस ऑन विच द अजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड इज ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव, राइट, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री यूनिवर्सिटीज एंड अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कास्ट, आपका सही है। 164 है, ए नल हाइपोथेसिस व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, तो ए नल हाइपोथेसिस वेयर When there is no difference between the variable. 161 research hypothesis are, तो research hypothesis are option number D both B and C, तो research hypothesis are a statement of predicted relationship between variable stated such that they can be confirmed or refuted. 166 है, which of the following best describe the development process of research question, तो option number A broad question is made more स्पेसिफिक एज टर्म्स आर मोर क्लियरली डिफाइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर रिसर्च क्वेश्चन, ए ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक एज टर्म्स आर मोर क्लियरली डिफाइंड। 167 गुड रिसर्च क्वेश्चन सर, तो गुड रिसर्च क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी फिजिबल क्लियर सिग्निफिकेंट एंड इथिकल। ठीक है, 168 द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चेबल क्वेश्चन इज, तो ऑप्शन बी पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन डैट कैन बी कलेक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू आंसर ए क्वेश्चन। 169 ए गुड हाइपोथेसिस वुड बी ऑप्शन में फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे डैट इट कैन बी टेस्टेड बाय डाटा, तो ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे डैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डाटा। 170 है,
स्टेटमेंट वन आपका स्टेटमेंट टू पढ़ना, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट पोस्टुलेटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल एलिमेंट ऑफ द वेरिएबल, आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट टू, ए रिसर्चर सेटअप ए नल हाइपोथेसिस सो डेट डिडक्ट डिड्यूस्ड कंसिक्वेंसेज ऑफ ए रिसर्च हाइपोथेसिस में भी डायरेक्टली टेस्ट, आपका सही है, ठीक है। 171 है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्डिंग, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट रिक्वायर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हिस्टोरिकल स्टडीज, ठीक है। बाकी आपका सर्वे में एक्सपेरिमेंटल में और नॉर्मेटिव स्टडी में होता है। 172 है एन ऑपरेशनल डिफिनेशन, एन ऑपरेशनल डिफिनेशन ऑप्शन नंबर सी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एंड एम्पेरिकल मेजर, ठीक है। 173 है वाट इज द पर्पज ऑफ द कंक्लूजन इन द रिसर्च रिपोर्ट, तो वाट इज द पर्पज ऑफ द कंक्लूजन इन द रिसर्च रिपोर्ट ऑप्शन बी इट समराइज द की फाइंडिंग इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चन। 174 है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टेटिंग हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर ए इट फोर्सेस द रिसर्चर टू थिंक मोर डीपली एंड स्पेसिफिकली अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ स्टडी। 175 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऑप्शन नंबर सी ग्रुप इंस्ट्रक्शन, तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लेक्चर इन द एलिमेंट्री क्लासरूम। 176 है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन ऑप्शन नंबर बी फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, ये आपका नहीं है, बाकी आपका सब सही है। 177 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए हाइपोथेसिस, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम, इट इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन एड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज अननोन इट मस्ट बी जनरलाइजेबल, ठीक है, आपका सही है। 178 है इन मिक्स मेथड रिसर्च, तो इन मिक्स मेथड रिसर्च क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फाइंडिंग शुड बी ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड है। 179 है क्वेश्चन नंबर एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड ऑप्शन सी वेरिएबल। 180 है ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल टू एस्टैब्लिश वेदर देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ ग्रुप टू बी इंटरलेटेड इज ऑप्शन नंबर सी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। 181 है वेन स्टडिंग, तो वेन स्टडिंग एन एक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट गिवन टू ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। 182 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब एज ए कैटेगोरियल वेरिएबल ऑप्शन नंबर डी रिलीजन। 183 है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर बेस्ड ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल। 184 है ए मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट, ए मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी टी एक्टिव वेरिएबल, तो ए मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी एक्टिव वेरिएबल। 185 है कंट्रोल ग्रुप्स, तो कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 186 द बिहेवियर डैट इज मेजर्ड, द बिहेवियर डैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल। 187 दिस टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च स्टडीज द सेम इंडिविजुअल ओवर एन स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन नंबर सी ट्रेंड स्टडी एंड पैनल स्टडी, ठीक है। 188 एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैटेगोरियल वेरिएबल ऑप्शन नंबर टीचर्स हेयर कलर, तो एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैटेगोरियल वेरिएबल टीचर्स हेयर कलर, ठीक है। 189 है विच वेरिएबल, तो विच वेरिएबल आर दोज दैट ए रिसर्चर चूजेस टू स्टडी इन ऑर्डर टू एक्सेस देयर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 190 है ए कंडीशन, तो ए कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरी इज कॉल्ड डिस्क्राइब ऑप्शन ए वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कहते हैं। 191 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, तो एज टेम्परेचर इनकम एंड हाइट एंड ग्रेड पॉइंट एवरेज एलिजिबिलिटी लेवल एंड ग्रेडिंग परफॉर्मेंस, ये आपका सही है, बाकी आपका जेंडर रिलीजन और इथनिक ग्रुप नहीं होगा। 192 है इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स आर इंस्टीट्यूट ऑप्शन नंबर सी इंटरवल मेजरमेंट। 193 है वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस, तो वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस
टू डू टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल टू वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल। 184 ए वेरिएबल डैट इज, तो ए वेरिएबल डैट इज प्रिज्यूम टू कॉज ए चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ए वेरिएबल डैट इज प्रिज्यूम टू कॉज ए चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 185 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन रिसर्च एटेड, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव, कोई आपका नहीं है, ठीक है, सब गलत है। 186 इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑप्शन नंबर सी बोथ एन बी इन विच एनी चेंज आर अफेक्ट विच इज नॉट मैनिपुलेटेड, ये आपका मैनिपुलेटेड नहीं है। 187 दिस वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन, तो दिस वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन वाट इज डन टू इट बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट। 198 है एक्सट्रानियस, तो एक्सट्रानियस वेरिएबल आर एसेंशियली, तो एक्सट्रानियस वेरिएबल आर एसेंशियली ऑप्शन नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 199 है दिस वेरिएबल्स आर दोज दैट आर क्रिएटेड बाय द रिसर्चर एंड आर टाइपिकली फाउंड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ऑप्शन नंबर बी मैनिपुलेटेड, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, तो एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्रीवेशन ऑन रोट मेमोरी। इन दिस एक्सपेरिमेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑप्शन नंबर बी रोट मेमोरी एक्सपोज, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज की व्यवस्था आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।